टपा टप टपा टप टपा टप, मालूम ना। हेलो एवरीबॉडी, सब चंगा या कोई पंगा वंगा हो तो बता देना। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तानी भाव की, जिसने अनाउंस कर दिया है अपनी लाइफ में आके कि अब से वो कोई भी एक वीडियो नहीं बनाएंगे किसी भी बंदे के बारे में, चाहे वो देश के खिलाफ उल्टा बोले या फिर वो हमारे समाज में जाके गंद फैलाए। तो गाइज, हिंदुस्तानी भाव का स्टाइल थोड़ा अलग था, गालियां देके वो लोगों को समझाते थे। लेकिन गाइस, कुछ लोगों को बहुत बुरा लग गया और वो हिंदुस्तानी भाव को बहुत हेट देने लग गए। बात करेंगे उनकी एक लाइव वीडियो की, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे हिंदुस्तानी भाव का जीरो से हीरो तक का सफर। हीरो बोल लीजिए, कुछ लोगों के लिए हीरो थे और कुछ लोगों के लिए विलन वाला काम कर रहे थे। तो गाइस, वो आप डिसाइड करें, हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। और जो कॉम्प्लिकेशंस बीच में आए वो भी हम डिस्कस करेंगे कि अभी आज के बाद गद्दारों को जवाब मैंने देगा। जो शरीफ लोग है ना, जो बोलते हैं भाऊ का तरीका अलग है, गाली देता है, आज के बाद आप लोग दो जवाब, मैं नहीं दूंगा। आज के बाद भाऊ सिर्फ देखेगा, आज के बाद बस भाऊ भी वैसे ही देखेगा जैसे आम इंसान देखता है ना। आप लोगों ने इतना प्यार दिया ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि दोस्तों आपने देख ही लिया होगा, हिंदुस्तानी भाव अब से एक भी वीडियो पोस्ट नहीं करने वाले किसी के भी खिलाफ। कुछ लोगों के लिए वो हीरो थे और विलन थे, मैं पहली बात कर चुका हूं। बिकॉज शुभम मिश्रा का जो केस आया था रेप थ्रेस्ट वाला, उसके बाद से हिंदुस्तानी भाव को काफी ज्यादा हेट मिल रहा था और उनको भी बोला जा रहा था कि आप भी अपना मुंह बंद कर लें। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कमेंट्स आने के बाद हिंदुस्तानी भाव ने ये फैसला लिया, उन्होंने स्टार्ट किया पाकिस्तानी लोगों को गाली देके। बिकॉज पाकिस्तान के लोग इंडिया को काफी ज्यादा हेट फेर रहे थे, बड़ी गंदी गंदी गालियां देते थे, तो हिंदुस्तानी भाव ने इनिशिएट लिया, उनको रिप्लाई किया थ्रू गाली। उसके बाद वो बिग बॉस में चले गए, बिग बॉस में जाने के बाद भी उनकी काफी ज्यादा हाइप थी, कोई हेटरेट नहीं था। उसके बाद उनका चैनल पे स्ट्राइक आती है पाकिस्तान की तरफ से, तीनों स्ट्राइक आने के बाद उनका चैनल डाउन हो जाता है, फिर वो एक न्यू चैनल बनाते हैं, जिसके बाद उनकी गाली का लेवल और ऊपर जाता जाता है, जिसमें वो इंक्लूड करते हैं हिंदुस्तान के गद्दारों को, जो हिंदुस्तान के गद्दार अंदर भरे पड़े हैं, जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन भौंकते पाकिस्तान की तरफ है। तो गाइस, उसको लेके इनने काफ़ी ज़्यादा बोला कि आप गद्दारी वाला काम ना करें। कुछ लोगों को बोला, अब बीच में एक रिसेंट केस आया था एकता कपूर वाला, एकता कपूर में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था कि उन्होंने एकता कपूर में अपनी वेब सीरीज के अंदर एक इंडियन आर्मी का जो एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया था वो बड़ी गंदी तरीके से दिखाया था, दैट्स वाई हिंदुस्तानी भाव ने अब आवाज़ उठाई। लेकिन उस टाइम हिंदुस्तानी भाव को साथ देने वाला कोई बंदा नहीं था, बिकॉज ये इंडस्ट्री मेरे भाई, ये इंडिया है मेरे भाई, यहाँ पे सही और गलत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। अब हिंदुस्तानी भाव भी चुप बैठ के देखेंगे तमाशा, बिकॉज कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, ये सबको अच्छे से पता है बात ये। गाइज, मुझे आप बताओ, हिंदुस्तानी भाव के इस फैसले से आप सहमत हो या फिर आप बहुत खुश हो या फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो? बिकॉज तुम बहुत प्यार करते थे या फिर तुम उसको बहुत हेट करते थे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और ज़्यादा शेयर करो अगर तुम उसको प्यार करते थे तो। रुको जरा, सबर करो।